नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं आईबॉल का मिनी एयरवेयर A9 ब्लूटूथ हैंडसेट का। तो दोस्तों मैंने किया इसको 2 माह यूज़, उसके बाद देने जा रहा हूँ रिव्यू। तो दोस्तों आपको तलाश है ऐसे ब्लूटूथ की जिसकी बैटरी चले अधिक से अधिक समय और साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों इसके फीचर अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आज ही ऑर्डर जरूर करेंगे। दोस्तों इसके फीचर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल कर लीजिए आज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के अनबॉक्सिंग और वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं 2 माह पहले खरीद चुका हूँ और यूज़ भी कर चुका हूँ। मेरा पुराना ब्लूटूथ मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा। ये 2 ऑर्डर जो मैंने करे हैं मेरे दोस्तों ने करवाया, क्योंकि उनको भी उसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी की जो चलने की जो समय है वो भी अधिक से अधिक है। दोस्तों तो दोस्तों जान लेते हैं इसके फीचर के बारे में और बिल्कुल वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो इसके फीचर देख लेते हैं दोस्तों, बॉक्स के ऊपर क्या क्या हाईलाइट किया गया है। तो ये मिनी एयरवेयर A9, और आगे देखते हैं दोस्तों इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी रेंज जो है 10 मीटर से अधिक है। दोस्तों 10 मीटर इस पर दिया है, पर मैंने देखा है दोस्तों, मैंने यूज़ किया इसलिए बताना चाहूँगा कि 10 मीटर से भी अधिक इसकी रेंज है। और इसके वर्किंग टाइम की बात करें दोस्तों तो 5 घंटे से अधिक चलता है दोस्तों, इससे ज़्यादा ही चलेगा दोस्तों, इससे कम नहीं चलेगा। जो दिखाया बिल्कुल सही दिखाया है इसके अंदर। और दोस्तों बात करें इसके स्टैंड बाय टाइम, यानी इसको आप ऑन करके आप कंटिन्यू रखेंगे, यानी आप म्यूजिक वगैरह नहीं सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे, आप चालू रखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल आपको 90 घंटे आराम चल जाएगा। 130 घंटे लिखे हैं पर 100 घंटे आराम से चलेगा दोस्तों ये। और बात करें दोस्तों प्राइस की, 1425 की MRP दे रखी है, जो कि दोस्तों ऑनलाइन खरीदने पे आपको 700 से 800 ऑफर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखूँगा अमेजन फ्लिपकार्ट की, आप वहाँ से जाकर खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके हम निकाल लेते हैं बाहर फटाफट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। दोस्तों बन रहे हमारे साथ, जब तक कर लीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल जाके देखिए, और भी आपके काम की वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों वहाँ की वीडियो देख कर। तो दोस्तों इसको भी खोल लेते हैं फटाफट। दोनों ऑर्डर किए, दोस्तों को बहुत पसंद आया मेरा ब्लूटूथ दोस्तों, इसलिए उन्होंने भी कहा कि हमें भी यही ऑर्डर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों मैंने वही ऑर्डर किया जो मेरे पास में है। तो देखिए ये इसका मेन्यू कार्ड है, इसके अंदर बताया गया है, जो देख लेते हैं। एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो फिर लंबा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों इसको खोल कर देखते हैं, कैरी बैग मान लेते हैं इसको, ये रखने के लिए कैरी बैग दे रखा है हमें। तो दोस्तों इसके अंदर मिलेगा आपको ये चार्जिंग केबल, जिससे मैं आपको दिखाऊँगा कि चार्ज कैसे किया जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये है कुछ रबर जो हमें ब्लूटूथ में लगी रहती है, अगर वो गिर जाती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पर। इसको रखते हैं दोस्तों साइड में। और दोस्तों ये देखिए ब्लूटूथ इसका, बहुत छोटा सा ब्लूटूथ है, बहुत हल्का सा ब्लूटूथ है दोस्तों, इसमें वजन भी बिल्कुल कम है देखिए। और दोस्तों जो 2 माह पहले मैं खरीद चुका हूँ वही ब्लूटूथ आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दिखा देता हूँ वो ब्लूटूथ जो मैंने 2 माह पहले ख़रीदा है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो मैंने ब्लूटूथ लिया है 2 माह पहले ख़रीदा था। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो बहुत अधिक से अधिक बैटरी चलती है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसकी कनेक्टिंग, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों पहले मैं बताता हूँ आपको किस तरह से कनेक्टेड करना है। तो दोस्तों मैं मोबाइल के द्वारा आपको बताऊँगा किस तरह से इसको ब्लूटूथ से जोड़ते हैं। तो देख लीजिए, कर लेते हैं फटाफट कनेक्टिंग इसको। तो कर लेते हैं ब्लूटूथ ऑन, ये हमारा ब्लूटूथ हो गया ऑन दोस्तों। और मोर सेटिंग में जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जब पहली बार इसको मोबाइल से कनेक्टेड करते हैं तो एक बात का ध्यान स्पेशल रखना, नहीं तो कनेक्टेड नहीं हो पाएगा दोस्तों। पहली बार कनेक्ट करने के लिए इसको पुश करके रखना है, प्रेस करके रखना है। और देखिए हमने प्रेस करके रखा है और ये रिफ्रेश कर दिया है, यहाँ सर्च हो रहा है देख लीजिए। जब तक इसको प्रेस करके रखना है जब तक दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ सोनी देखो ये आ गया, एनीवेयर मिनी एनीवेयर आ चुका है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया दोस्तों, ये क्लिक कर देते हैं, ये रहा, ये क्लिक कर दिया हमने और ये कनेक्टेड भी हो गया देखिए आप। तो ये हमारा ब्लूटूथ इस तरह से कुछ कनेक्टेड होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, एक इसका एक फीचर और जान लेते हैं कि दोस्तों 198 में डायल कर लेता हूँ। ये मान लीजिए हमारे एक दोस्त का नंबर है 198, ये मैंने डायल कर लिया, ये मेरा लास्ट कॉल था दोस्तों, इसको लास्ट फर्स्ट कॉल मान सकते हैं ये कॉल है। तो दोस्तों मैं इसको डबल क्लिक करूँगा दोस्तों, तो मेरा फर्स्ट कॉल जो है 2 बार क्लिक करने पर वो लग जाएगा जो भी डायल में रहेगा। तो और एक बार क्लिक करने पर दोस्तों हमारा जो म्यूजिक प्लेयर का म्यूजिक जो चल रहा था वो ऑन हो जाएगा अगर हम एक बार क्लिक करेंगे। तो पहले देख ले दोस्तों म्यूजिक चला कर किस तरह से म्यूजिक चलेगा। देखिए एक बार क्लिक करूँगा तो म्यूजिक चालू हो जाएगा, ये देखिए, और एक बार फिर क्लिक करूँगा तो म्यूजिक बंद हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से म्यूजिक ऑन ऑफ हो रहा है। और दोस्तों अब बताता हूँ कि हमें जो डायल कॉल है अगर हम डबल क्लिक करेंगे, फटाफट डबल क्लिक करेंगे 2 बार, तो किस तरह से हमारी फर्स्ट कॉल जो है वो डायल हो जाएगी देख लीजिए। 2 बार डायल करेंगे
देख लीजिए आप एक बार, तो देख लीजिए ये डायल हो गया, कॉल लग गया हमारा, चाहे दोस्तों को लग गया या कस्टमर केयर को लगा है वैसे, पर मान लीजिए हमारे दोस्तों को लग चुका है और हमें काटना है, एक बार क्लिक करेंगे कट जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, तो हमारा म्यूजिक ऑन ऑफ किस तरह से हो रहा देख लें आप। और अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों इस ब्लूटूथ के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए डायल हो गया हमारा नंबर डबल क्लिक करने पर, और एक बार क्लिक करने पर ये कट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको चार्जिंग को समझा देता हूँ दोस्तों, किस तरह चार्जिंग करना है। दोस्तों ये चार्जिंग, यहाँ से हमें इसको चार्ज करना है, जो इसके साथ केबल आई है या हमारे मोबाइल की जो भी केबल है वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ। देखिए इस चार्ज केबल को हम यहाँ लगा लेंगे दोस्तों, और जो हमारे मोबाइल का चार्जर है दोस्तों एडाप्टर, उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ से इस तरह से। दोस्तों अब यहाँ से ले जाकर मुझे बोर्ड तक जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोर्ड पर चार्ज लगाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे कैमरा भी ले जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं पावर बैंक से चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारा पावर बैंक है, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों कनेक्ट करने पर इसमें रेड कलर की लाइट जलने लगती है, देखिए आप। और जब फुल चार्ज हो जाएगा दोस्तों तो हरी लाइट हो जाएगी यहाँ पर, ये जो रेड लाइट है ये हरी हो जाएगी फुल चार्ज, और 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तलाश है आप ऐसे ब्लूटूथ हैंडसेट की जिसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो, अधिक से समय तक बैटरी चले और साउंड क्वालिटी अच्छी हो, तो दोस्तों आँख बंद करके खरीद सकते हैं इस ब्लूटूथ हैंडसेट को। तो दोस्तों मैंने करा इसको 2 महीने, इससे मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है इसका। तो दोस्तों आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे अमेजन फ्लिपकार्ट मैंने लिंक दे रखी है, या आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करेंगे। तो दोस्तों कर लीजिए मेरे चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।